गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल अंडरस्टैंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेट्स लर्न द थियोरी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। हम देख चुके हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। और जो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। इट्स प्रिपरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो प्री डिटरमाइंड। और उसकी जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो प्री डिटरमाइंड होती है। दीज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन मर्केंटाइल बेस। ये स्टेटमेंट्स मर्केंटाइल बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। वेयर एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड एक्चुअल इनकम्स ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर वेदर पेड इन कैश और नॉट वेदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल इनकम्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करवाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इनकम्स आर डिस्क्लोज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की जाती हैं। इक्विटी लायबिलिटीज एंड एसेट्स आर डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। इक्विटी लायबिलिटीज और एसेट्स हम बैलेंस शीट में शो करवाते हैं। इन ब्रीफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन मर्केंटाइल बेस शोज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करवाता है मर्केंटाइल बेस पर। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक सॉल्वेंसी। बैलेंस शीट इकोनॉमिक सॉल्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। द सोर्सेज ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश बोथ द डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैश के सोर्स क्या है, कैश का यूज क्या है, ये दोनों के दोनों जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज डिजायरेबल टू प्रोक्योर कैश फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट सोर्स एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट कैश इन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी। डिजायरेबल है कि हम अप्रोप्रिएट सोर्स पर से जहाँ से हम कैश प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से हम उस कैश को प्राप्त करें और उसके बाद अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी में उस कैश को इन्वेस्ट करें, ये इम्पोर्टेंट है। This information is not disclosed by profit and loss statement and balance sheet. और ये information हमें profit and loss statement में से या balance sheet में से नहीं मिल सकती। There are different objectives to prepare these statements. ऐसे statements prepare करने के लिए different objectives को ध्यान में रखा जाता है। What are the sources of cash? कैश के सोर्सेज क्या हैं? वेयर कैश इज इन्वेस्टेड, कैश को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में से मिलेगी। देयरफॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो इज मैंडेटरी फॉर सर्टेन बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसलिए सर्टेन बिजनेस एंटरप्राइजेज में कैश फ्लो प्रिपरेशन मैंडेटरी है, यानी जरूरी है। सो दैट इन्वेस्टर्स कैन टेक देयर डिसीजंस इन अप्रोप्रिएट मैनर, कि जिससे इन्वेस्टर्स अप्रोप्रिएट मैनर में अपने डिसीजंस ले सकें।
As per accounting standard 3, disclosure of cash flow statement is mandatory from 1st April 2004 and onwards for certain business enterprises. 1/4/2004 और उसके बाद से certain business enterprises में cash flow statement का disclosure mandatory है. The disclosure of cash flow statement is mandatory for those business entities whose equity or debt securities are listed or in the process of being listed on the Indian and foreign stock exchanges. Cash flow statement का disclosure ऐसे business entities के लिए mandatory है जिनके equity और debt की securities लिस्टेड है इंडियन एंड फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में या लिस्टेड होने के लिए प्रोसेस में है इंडियन एंड फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दीज बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अंडर इनडायरेक्ट मेथड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना जरूरी है. अंडर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Under Section 240 of Companies Act 2013 के according, financial statements की definitions में cash flow statement include किया गया है. Meaning of terminologies, cash flow. There are two types of cash flows. First, cash inflow and second, cash outflow. Cash inflow means cash flow increases, cash outflow means cash flow decreases. Here, cash flow means received payment of cash and cash equivalent. A transaction due to which cash or cash equivalent increases is known as cash inflow. A transaction due to which cash or cash equivalent increases is known as cash flow increases. A transaction due to which cash or cash equivalent decrease is known as cash outflow. Then we can say also that way, a transaction due to which cash or cash equivalent decrease is known as cash flow decrease. Cash means cash on hand or bank balance. Third, cash equivalent. Cash equivalent means highly liquid short-term investments. Such investments which can be quickly and with accurate estimated price convertible into cash, yani aisa investment ke jise jaldi se cash mein convert kiya ja sake. The investment in which the risk of changes in the price is very rare. For the example, first, government securities, and second one is any securities having above stated features. Fourth, cash flow statement. Three type of activities are disclosed in cash flow statement. Operating activities, investing activities, financing activities. There can be cash inflow and or cash outflow in each activity.
The opening balance of cash and cash equivalent is added to cash flows generated through these three activities. At the end, whatever amount would arrive will be closing balance of cash and cash equivalent. Cash flow generated from these activities can be positive or negative. इन एक्टिविटीज में कैश फ्लो जो जनरेट होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. डेफिनेशन. Operating activities means main activities of business to earn income, which are neither investing activities nor financing activities. Operating activities का मतलब होता है ऐसी main activities जिससे business को income मिलती है और जो investing activities भी नहीं है और financing activities भी नहीं है. In operating activities, we shall consider non-cash transactions and provisions, financial expenses, non-operating incomes, increase in current assets, increase in current liabilities, decrease in current assets, decrease in current liabilities, previous year's taxation paid. Investing activities. Investing activities arise from transactions of assets side of balance sheet. Investing activities balance sheet के asset side के transaction से arise होती है. Investing activities means purchase or sale of long term investments and other investments. Investing activities arise होती है purchase of fixed assets or sale of fixed assets. Cash and cash equivalent are not included in investing activities. Long term assets are those assets which are not acquired for sale purpose. Long term assets वैसी एसेट्स होती हैं जिसे सेल पर्पस के लिए नहीं रखा जाता. दे आर यूज्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज और उनका यूज बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए किया जाता है. परचेस ऑफ सच एसेट्स इज ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो एंड सेल इज ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो. ऐसी एसेट्स का परचेस कैश आउटफ्लो और कैश फ्लो डिक्रीजेस एंड सेल इज ट्रीटेड एज कैश इनफ्लो मींस कैश फ्लो इंक्रीजेस. इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वी शैल कंसीडर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, purchase of fixed assets or non-current assets, interest and dividend received, rent received, financing activities. Financing activities arise from the transactions of equity and liabilities except those of current liabilities side of balance sheet. Financing activities arise hoti hain equity and liability side of balance sheet ke transaction se current liabilities ke alawa. Financing activities are such activities due to which size and or composition of owner's capital including preference share capital and borrowed capital of business get changed.
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके कारण कंपनी का बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल का समावेश होता है। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वी शैल कंसीडर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज अ स्पेसिमेन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ब्लैंक कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन ब्लैंक। फर्स्ट वी विल रिकॉर्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। In that we will record net profit of current year add non-cash transactions and provisions. Non-cash transactions and provisions consists intangible assets amortized, loss on sale of assets, taxation provision for current year, transfer to general reserve, depreciation written off, etc. After that, we will add financial expenses Financial expenses consists dividend paid or interest paid, then less non-operating incomes. Non-operating incomes consists profit on sale of assets, profit on sale of investments, interest received on investments, dividend received on investments, rent income or assets, etc. Then this final amount will be considered as operating profit before changes in working capital. After that, we will add decrease in current assets, increase in current liabilities, then less increase in
करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, after that we will deduct means less tax paid for previous year, then finally we will get net cash flow from operating activities. Next main heading in cash flow statement is B, cash flow from investing activities. In that we will add sale of fixed assets, interest and dividend received, rent received. We will less or deduct purchase of fixed assets. From this, we will get net cash flow from investing activities. Then third C main heading, cash flow from financing activities. In that we will add issue of shares, issue of debentures, long term and short term loan borrowings, then we will deduct less redemption of shares, redemption of debentures, payment of long term and short term loan, payment of dividend, interest
paid on debentures or loan. Then from here we will get net cash flow from financing activities. After that we will get net increase or decrease in cash or cash equivalent, means we will add A plus B plus C. In that we will add opening cash balance and we will get closing cash balance. After adding opening cash balance in net increase or decrease in cash or cash equivalent, then students, now we will understand the important rules for calculation of the sums. If there is an increase in liabilities or capital, then cash flow increases. If there is a decrease in liabilities or capital, then cash flow decreases. If there is an increase in assets, then cash flow decreases. If there is a decrease in assets, then cash flow increases. Then students, cash flow increases means cash inflow. Cash flow decreases means cash outflow. Cash flow increase means we get cash, and cash flow decrease means
we give the cash. Students, if you like the video, please like, share and subscribe to our video. Thank you, students.